चैप्टर नंबर टू है हमारे रिवीजन हमने करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखें आपके फर्स्ट चैप्टर में जो है बेसिक जो टर्म्स होती है स्टैट्स की वो तो सारी देख ली और आपने डाटा कलेक्शन के मेथड भी देख लिए। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना। अब आपके पास डाटा कैलकुलेट होकर तो आ गया, आपने चाहे प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लिया सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको रिप्रेजेंट करना किसी रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में, कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर सके ले मैन भी। अच्छा, इसमें आपको बेसिकली आप डाटा को जो है कंडेंस फॉर्म में लेके आते हैं, समराइज फॉर्म में लेके आते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं डाटा को उसमें बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन, द टर्म क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये है कि आप जो बेसिकली डाटा को क्लासिफाई कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास डाटा है मेल फीमेल का, आप किसी को क्लास से जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी से डाटा फिल ले रहे हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल इस तरह से डाटा है, तो आपने डाटा को कैटेगराइज कर लिया, मेल्स का सेपरेट डाटा ले लिया, फीमेल्स का सेपरेट ले लिया, या आपने एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे उसको अरेंज कर लिया। आप फर्दर उसे ले लेते हो कि अगर आप मेल फीमेल का डाटा ले लिया, नेक्स्ट आप देखना चाहते हो कि किस किस एरिया से, जरूरत तो नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सारे लाहौर के हों, कोई मतलब केपीके से भी हो सकता है, कोई जो है जनूबी पंजाब से भी हो सकता है, आपने उनको डिवीजन वाइज जो है सेपरेट कर लिया। मेल्स का इस तरह से आपने कर ली, फीमेल के लिए भी इस तरह से आपने कर ली। जो हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स होते हैं वो दूर दूर के भी होते हैं ना, आप उसको क्लासीफाई किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे कर सकते हो, जैसे कि मेल फीमेल कर लिया। अगर आप इन जनरल कोई और डाटा लेते हैं तो आप एजुकेशन लेवल पे कर सकते हो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, या आप कर सकते हो जो है मैरिड और अनमैरिड, इस तरह से किसी भी तरह से डाटा ले सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल ये भी है, ये भी मैंने आपको क्लास में पहले भी दी थी कि अगर आप देखें TCS आता है, TCS वाले जो है सबसे पहले तो उसको अपने जो TCS हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल लाहौर के इस एरिया के हैं, लाहौर के इस एरिया के हैं, लाहौर के इस एरिया के। आप पहले तो वो एरिया वाइज कर लेते हैं, फिर फर्दर वो उसको मतलब आप किसी सोसाइटी में आ जाते हैं तो उस सोसाइटी में आपको ब्लॉक वाइज जो है सेपरेट कर लेते हैं TCS के, ये ए ब्लॉक के हैं, ये बी ब्लॉक के हैं, ये सी ब्लॉक के हैं। ठीक है, इस तरह से वो डिवीजन कर लेते हैं उसको किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं वो। ठीक है, अरेंज कर रहे होते हैं एक तरह से, ये छांटी कर रहे होते हैं उर्दू में अगर आप कहें तो। ये आपकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन वन में क्लासिफिकेशन भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेल फीमेल में अगर आप डाटा सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक की बेस पर कर रहे हो तो यार आपका हो गया वन में। अगर आप फर्दर उसकी कोई और डिवीजन ले लेते हो तो वो हो गया टू पे। आप टू वे से ज़्यादा भी कर सकते हो, थ्री वे भी कर सकते हो, सो आप ठीक है मैनी वे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है टेबुलेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टेबल्स और अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम। उसमें तो था कि आप करेक्टरिस्टिक की बेस पे जो है अरेंज कर रहे थे ऑब्जर्वेशन को क्लासेस या कैटेगरीज में, यहाँ पे आप क्या अरेंज कर रहे हो रोज में और कॉलम्स में डाटा को अरेंज कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं टेबुलेशन कहते हैं। अब टेबुलेशन भी सिंपल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी और कॉम्प्लेक्स भी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल्स में आपके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टाइटल। अब टाइटल आपका जो है टॉप हेडिंग होती है, ब्रीफ होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, का मतलब है कि आप सिर्फ हेडिंग पढ़ के बता सकें कि इस टेबल के अंदर क्या होगा। नेक्स्ट इसके बाद है कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड क्या होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है कॉलम कैप्शन। मैम आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ जी। कॉलम कैप्शन क्या होता है, बॉक्स हेड क्या होता है। अब कॉलम कैप्शन जो आपकी कॉलम की हेडिंग होती है उसको आप कॉलम कैप्शन भी कहते हैं या बॉक्स हेड भी कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। रो कैप्शन और स्टब क्या होता है। अब रो कैप्शन में आपके बेसिकली जो रो की हेडिंग होगी उसको आप रो कैप्शन कहेंगे या स्टब कहेंगे, इसको डिटेल आप खुद पढ़ लेंगे, मैं बस ब्रीफली बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, से जो आपका डाटा दरमियान में आएगा, एक तो आपने बना लिया जो है कॉलम कैप्शन, एक बना लिया आपने रो कैप्शन, यानी कि रो की हेडिंग्स भी बना ली, कॉलम की हेडिंग्स भी बना ली, जो मेन बॉडी है डाटा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद डाटा आपका क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, और क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, जियोग्राफिकल, अल्फाबेटिकली, कुछ भी हो सकता है। क्वालिटेटिव का आपको पता है कि क्या होता है, जो कोई क्वालिटीज हो, कैटेगरीज हो। क्वान्टिटेटिव का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। क्रोनोलॉजिकल का मतलब कोई ऑर्डर में डाटा हो आपका। जियोग्राफिकल का मतलब कोई एरिया वाइज आपका जो है डाटा है। अल्फाबेटिकल का मतलब ABC, इस तरह से आपका कोई डाटा है। नेक्स्ट आता है सोर्स नोट। अब सोर्स आपने जो जहाँ से डाटा लिया है वो आपने टेबल के एंड पे लिखना होता है कि सोर्स नोट क्या है। आपने मतलब किसी पब्लिकेशन से लिया, या आपने प्राइमरी डाटा लिया, या आपने किस इंस्टीट्यूट से लिया, या कहीं से भी जाके आपके डाटा लेते हो वो सोर्स नोट लिखते हैं।
स्पेसिंग या रूलिंग में उन्होंने बता दिया कि आपने किस तरह की स्पेस देनी है, आपने डॉट्स यूज करने हैं या नहीं करने हैं डैशेस को, और जीरो आर नॉट यूज इन द टेबल फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ये जो जो चीज़ें हैं सारी आपने देख लेनी है। एक तरह का प्रीफेक्टरी एंड फुट नोट्स क्या होता है, द प्रीफेक्टरी नोट्स इज गिवन आफ्टर द टाइटल। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि प्रीफेक्टरी नोट्स का होता है और फुट नोट्स का होता है। प्रीफेक्टरी नोट्स आपका होता है आफ्टर द टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद जो होता है वो प्रीफेक्टरी नोट्स होता है, और फुट नोट्स जो होता है जो टेबल के एंड पे आता है, ठीक है, वो होता है आपका फुट नोट्स। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। फुट नोट्स आर यूजली इंडिकेटेड बाय स्टैटिक। अच्छा, ये जो बेसिकली फुट नोट्स में आप जो एब्रिविएशन यूज कर रहे होते हो ना टेबल में, फॉर एग्जांपल आप पूरे नहीं लिख रहे होते हो, पाकिस्तान की जगह पे पी लिख दिया, इंडिया की जगह पे आई लिख दिया, बांग्लादेश की जगह पे बी लिख दिया, तो आप उसको नीचे एक्सप्लेन कर रहे होते हो फुट नोट में कि मैंने ये जो एब्रिविएशन यूज की थी इसका ये है बेसिकली मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये तो आपका हो गया कि आपने डाटा को टेबुलेशन किस तरह से करते हैं, क्लासीफाई कर लिया तो क्लासिफिकेशन हो गया। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक क्लासेस बना ली उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से टेबल के फॉर्म में आपने डाटा को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा सेट, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू प्रेजेंट इट इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, आपके पास डाटा जब आ जाता है, आपने कहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना है। आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ अ डाटा इन अ टेबल व्हिच डिस्प्लेस कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी सच एज सिमिलर और आइडेंटिकल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, अब इसमें आपको पता है क्लासेस बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास होगी 5 to 9, नेक्स्ट होगी 10 to 14, फिर होगी 15 to 20, सो आप इस तरह से क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, कोई एक आपने एक विथ निकाल ली, उस विथ के अकॉर्डिंग आपका इस तरह से क्लासेस बनती जाती है, यूनिफॉर्म इंटरवल वाली। अनइक्वल इंटरवल वाली भी होती है, लेकिन यूजली जो हम बनाते हैं वो यूनिफॉर्म इंटरवल वाली ही होती है। अच्छा, इसमें से आपने जो है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की देख लेनी है, ये हमेशा आती है, ये नहीं मैं कहूँगी कभी आ जाती है कभी नहीं, आती है। तो इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से आपने जो है कर लेना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और इसका जब लास्ट में आप सम करते हैं वो हमेशा वन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ था सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी वन एक्सेप्ट फॉर राउंडिंग एरर, मतलब ये हो सकता है कि 0.999 आ जाए तो आप उसको राउंडिंग एरर के अप्रोक्सीमेटली वन कंसीडर कर लें। ठीक है, ये हो सकता है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग कंपेरिजन। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, वो कहते हैं कंपेरिजन करने के लिए टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन। कि आप कहते हैं कि इस डाटा में ये इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट डाटा में ये है, इस तरह से आप देखिए। हम लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था, उसमें आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की थी कंपैरिजन पर्पस के लिए, कि आपकी थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आ रही थी, इन दोनों में आपने कंपैरिजन करने के लिए वो कैलकुलेट किया था। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली कंपैरिजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। अदरवाइज द डिफरेंट सैंपल साइजेस ऑफ द डेटा सेट्स मे रिजोर्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, आपने अगर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो कंटिन्यूस भी हो डाटा का भी हो सकता है, डिस्क्रीट डाटा का भी हो सकता है, कैटेगोरिकल डाटा का भी हो सकता है, तीन तरह के हो सकते हैं। तो आपने कैसे बनाना होगा, फर्स्ट स्टेप आपका जो डाटा का, सबसे पहले आपने डाटा में से रेंज कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपने अपने डाटा में से देख कर रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, हमेशा याद रखना इसके। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, आपने नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि आपने इतनी क्लासेस बना ली है, ये इंटरवल लेना है, उस केस में ये स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे। उस केसेस में आपका जो मतलब आपने स्टार्टिंग पॉइंट लेके इंटरवल ऐड करते जाएंगे और आपकी क्लासेस भी बन जाएंगी और आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ भी मैंशन आप बस कह देंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको बनाए मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। रेंज कैलकुलेट कर ली, नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट कर ली। नंबर ऑफ क्लासेस का यही फॉर्मूला आप यूज करते हैं, 1 + 3.3 log of n। ठीक है, n के पास n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके डाटा में थी, उससे आपने ये सी कैलकुलेट कर लिया, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं होल नंबर में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद, दिस गिव्स रफली द नंबर ऑफ क्लासेस, दे आर सर्टेन अदर मिस, ये वाला नहीं है पेज मेरे ख्याल से, ये वाला नहीं है, लेकिन साथ में नहीं और मिस थेरी नहीं होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ना आपके उसमें। यस, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है आपका, आपने जो है फिथ कैलकुलेट करनी है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज मैंने बता दी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है, और नंबर ऑफ क्लासेस वो 1 + 3.3 log of n के थ्रू आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इससे आपके पास एज आ जाएगा, इसको विथ भी कहते हैं, इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है,
ये आपके पास वैल्यू आते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपने इसको भी देख लेना है, मोस्टली होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. इट शुड बी नोटेड दैट ऑलवेज अ कन्वीनियंट रियल नंबर इज चूजन एंड इट इज नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स ऑफ राउंडिंग बिकॉज वी आर ओनली ग्रुपिंग द डेटा. अच्छा नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डाटा की स्मॉलर वैल्यू थी 68, ठीक है, आपके डाटा की वैल्यू 68 है तो आपने 65 से स्टार्ट करें. अब ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. कोई बच्चा हो सकता है 66 से स्टार्ट कर ले, कोई 67 से कर ले, कोई 65 से कर ले, लेकिन जो बेसिकली बेटर ये होता है कि आप 65 से करें क्योंकि ये एक मल्टीपल है. आप इसमें अपना जो है इंटरवल ऐड करते जाएंगे तो आपको एक मल्टीपल की फॉर्म में डाटा मिलता जाएगा. इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट जो आपने लेना होता है, जो आपका मिनिमम वैल्यू है, उससे प्रीवियस को ही लेना होता है. नेक्स्ट है एन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एंड मार्क ऑफ वर्टिकल बार. ये आपको पता है कि टैली कैसे बनाते हो आप, जो आपने डाटा में देख ली वैल्यू उसके सामने एक टैली बनाते हैं, फिर डाटा में से देख ली और फिर उसके सामने क्लासेस के सामने टैली बनाते जाएंगे तो ये टैली मार्क हो जाएगा. आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1 से क्लियर होगा. द हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स मई एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय. आपको 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, उन्होंने कहा है मेक अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आप देखिए इसमें ना तो कैटेगोरिकल बन सकता है ना इसमें डिस्क्रीट बन सकता है, ठीक है, या आपका कॉन्टिन्यूस इतना से डाटा का वो बन सकता है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्योंकि इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो आपने रेंज कैलकुलेट कर ली, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू की, तो आपके पास 25 आ गया. 85 देखें इसमें मिनिमम वैल्यू है, 25 आपका रेंज आ गया. नेक्स्ट नंबर ऑफ क्लासेस आपने 30 है एन, तो नंबर ऑफ क्लासेस को कैलकुलेट कर लिया, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया. नेक्स्ट स्टेप होगा विथ कैलकुलेट करना, विथ 25 ओवर 6 किया तो आपके पास 5 आ गया, ठीक है. ये तीन स्टेप ही करने होते हैं आपने मैनुअल में. उसके बाद आ जाएगा आपने 5 चूज कर लिया क्योंकि 4.16 जो है इतना कन्वीनियंट नहीं है और 4 अगर आप लेते हो तो मल्टीपल नहीं बनेगा, आपने 5 ले लिया, ठीक है. नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू आपकी 87 थी तो हम क्या लेंगे प्रीवियस वैल्यू. कुछ लोग मैंने बताया था 87 ले लेंगे, कुछ 86 ले लेंगे, कुछ 85 ले लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 85 से जब स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. अच्छा जी आपने इस तरह से क्लासेस बना ली. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होगा ये देखिए, उन्होंने 86 से स्टार्ट किया, उसे आप 85 से करो तो वो अच्छा है. बेसिकली आप 85 लोगे उसमें 5 ऐड करोगे यहाँ पे 90 आ जाएगा, इससे प्रीवियस 89 आ जाएगा. यहाँ पे 90 का 5 ऐड किया 95 हो गया, इससे प्रीवियस 94 हो गया. सो इस तरह से आप सारी क्लासेस बना लेंगे. आपका मैक्सिमम कहाँ तक था, मैक्सिमम है आपके पास 112, तो इसका मतलब आपका सारा डाटा कवर हो रहा है, आप 115 तक जाएंगे, ठीक है. अगर डाटा फॉर एग्जाम्पल आपकी 116 होती मैक्सिमम वैल्यू तो फिर आपको और क्लास बनानी पड़नी थी. अच्छा इस तरह से आपकी क्लासेस बन जाएंगी. क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती है, क्लास बाउंड्री मैंने आपको बताया था, हमेशा यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी उनका आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है. इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेने के बाद 2 पे डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इनमें से माइनस कर देंगे और इन वाली वैल्यूज में ऐड कर देंगे, ठीक है. लोअर्स में से माइनस कर देंगे, अपर में से वो वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बनकर आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है 0.5, 0.5 ही आएगा. आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना 91 माइनस 90 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 ही आएगा आपके पास. 86 में से आपने माइनस किया तो 85.5 हो गया, 90 में ऐड किया तो 90.5 हो गया, 91 में से आपने ये माइनस किया तो ये 90.5 हो गया, इसमें ऐड किया तो 95.5. सो इस तरह से आप जो है लोअर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करते गए, अपर में ऐड करते गए तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी. और मिड पॉइंट कैसे बनाते हैं, आप चाहे क्लास बाउंड्री से बना लें चाहे क्लास लिमिट से बना लें, ये सेम बनेगा. आपने लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है. किसी भी चीज़ का मिड निकालने के लिए आप ये करते हो ना कि उसकी जो है लोअर को और अपर को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिए तो मिडल वैल्यू निकल आएगी, ये आपका मिड पॉइंट हो गया. और टैली आपने कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू में देखती हूँ, फर्स्ट वैल्यू आपके डाटा की क्या है ये देखते हैं. फर्स्ट वैल्यू है 91 और सेकंड 89, ठीक है. इन दोनों को देखते हैं 91 89. अब 91 आपका कहाँ आ रहा है, सेकंड इसमें आ रहा है, तो आप इसके सामने टैली बना देंगे. नेक्स्ट 89 आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, उससे नेक्स्ट 88 था वो यहाँ पे आ जाएगा. जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी उसके सामने आप टैली बनाते गए और इस तरह से आपने बाद में उसके सामने फ्रीक्वेंसी बना ली.
और फ्रीक्वेंसी का सम इतना होना चाहिए कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके डाटा में थी, अगर ये उतनी नहीं है तो दोबारा से आपको रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए भी आ सकता है साथ, और मिड पॉइंट निकालने के लिए भी आ सकता है, तो ये भी आपको आने चाहिए, और क्लासेस बनाने भी आपको आनी चाहिए। आपने प्रैक्टिस दोबारा करनी, ये नहीं करना कि हम पहले कर चुके हैं इसको, आपने सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको सेंड किए थे ना इसके क्लासेस के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के, वो सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करने आज आपने। ये क्लास बाउंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, अभी हमने इसको पीछे देखा डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 30, 4 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 30, इस तरह की आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसका सम 1 के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्रीट और कैटेगोरिकल डाटा के लिए भी आपने जो बनाना है, डिस्क्रीट में आपका जो होल नंबर होगा आपने उसी को एज इट इज ले लेना, तो आपका डिस्क्रीट का बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कैटेगोरिकल जैसे कि आपकी कोई कैटेगरीज हो सकती है, यस नो, यस नो, उसके सामने उसका टैली और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अगर वो 5 कैटेगरीज है, जैसे कि आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, उसके बाद न्यूट्रल, फिर डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह की 5 कैटेगरीज आ गई, उसके सामने आपने उसको टैली बना लिया और उसके सामने उसको फ्रीक्वेंसी बना ली। ठीक है, कैटेगरी में, कैटेगोरिकल में ऐसे ही होगा, ऐसी चीज़ जो भी कैटेगरीज हैं वो सामने लिख ली और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। डिस्क्रीट में भी यही है कि आपकी जो भी जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, अब इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है, एक तो इसमें नंबर ऑफ रोटन पोटैटोज का है, नंबर का मतलब ये होता है कि आपका डाटा डिस्क्रीट है। ठीक है, यहाँ पर अगर मेंशन ना होता नंबर, मतलब वैसी वैल्यूज दी हुई होती है, आपने देख लेना कि वेरिएबल डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस, तो वेरिएबल डिस्क्रीट है तो इसका मतलब इसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। अब आपने 0, 1, 2, 3, 4 जहाँ तक फोन चल रहा है आपने ये होल नंबर्स का बना लेना है, इसका से नंबर ऑफ टोटल पोटैटोज आपने लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, उसके सामने उसका टैली और फ्रीक्वेंसी बनाते गए, और नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर वो कहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज जैसे आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है जो क्लासेस होती हैं या फिर कोई नंबर होता है उसको टैली और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज़ें आती हैं। फोर्थ, अगर आपको वो कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, क्लास बाउंड्रीज करें या मिड पॉइंट करें, तो वो आपका एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, ये आपको क्लियर हो गया आई होप कि आपने जो है किस तरह से कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, किस तरह से कैटेगोरिकल और किस तरह से कंटिन्यूस, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेंड किए थे आपको वो सारे आज आपने रिपीट करने हैं, कैटेगोरिकल के, कंटिन्यूस के और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है ओपन एंड क्लासेस क्या होता है। ओपन एंड क्लासेस आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ भी था। ओपन एंड क्लासेस वो होता है जिसमें आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट गिवन हो, ठीक है, लोअर पॉइंट और अपर जो है वो ना गिवन हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे बिलो 5 है, मतलब 5 से बिलो आपको पता नहीं कौन सी वैल्यू है, अब 75 एंड अबव, इसका मतलब 75 तक आपको पता है, उससे अबव कोई भी वैल्यू है वो आपको पता नहीं है, ये ओपन एंड क्लासेस कहलाती है। इसका आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मीडियन कर सकते हो और मोड कर सकते हो ओपन एंड क्लासेस का। अच्छा, इन्हें कनेक्शन ये आप, ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आपसे पूछ लें कि ओपन एंड क्लासेस का आप कौन सा मेजर ऑफ जो है सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका मीन नहीं कर सकते हो, बाकी कर सकते हो मीडियन। इन कनेक्शन विद फ्रीक्वेंसी टेबल्स द टर्म ओपन एंड क्लासेस इज समटाइम्स यूज्ड, इट मींस दैट इट इज इन द फ्रीक्वेंसी टेबल आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं होती, फिक्स नहीं होती। इट मे हैपन दैट बोथ ऑफ दीज आर नॉट फिक्स्ड, कभी कभी ये होता है कि दोनों भी गिवन नहीं हो सकती हैं। The frequency tables with open end classes are formed in some practical situations. The frequency table about the age of a person in a certain locality is given in the adjacent table. अब ये आपने जो है इसकी definition कर लेनी है, इसी तरह से ये भी अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं आपसे। Next है cumulative frequency, क्या होता है cumulative, होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या combine करना। A cumulative frequency distribution is a table that displays class interval and the corresponding cumulative frequencies. The cumulative frequency is used by the CF for the each class and it is obtained by adding the frequencies of all preceding classes including that class. ठीक है, आपने उस क्लास उससे प्रीवियस को ऐड करते जाना, तो इसमें से आपको ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके जैसे कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कमोलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर नेक्स्ट आपने इस वाली जो 6 में नेक्स्ट वाली ऐड की वो 4, तो ये आपका 10 हो गया। अब जो 10 आया हुआ है इसमें नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगी, 20 में उससे नेक्स्ट ऐड करेंगे तो फिर इस तरह से आपकी जो है इसमें वैल्यूज जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, और लास्ट में इसका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल आना चाहिए। अगर उससे बड़ा आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपने सही कैलकुलेट नहीं की है, दोबारा कैलकुलेट करें। हमेशा जो इसका सम है फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आना चाहिए लास्ट वाला। ठीक है,
अच्छा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो आप जिस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हो उस तरह से कम्युलेटिव रिलेटिव कर लेते हो। जो आपका जैसे कि ये 6 है डिवाइडेड बाय 30 कर लोगे, ये 10 है डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे, 20 है डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 30, इस तरह से आप इसको कैसे डिवाइड करते गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो ये आपका हो गया कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मिस पास कर दें। बस कर देती हूँ आज, इतने ही काफी है, आपने सारी चीजें भी अच्छी तरह से कर लेनी है, ठीक है।